इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम ने इंदौर शहर के 6 स्थानों पर ड्राइव इन कोरोना वैक्सीन सेंटर स्थापित किए हैं। इसमें नेहरू स्टेडियम और दशहरा मैदान के अलावा MR9 व VIP रोड स्थित दलाल बाग मैदान, कंकेश्वरी मैदान शामिल है। इन सेंटरों का आज से शुभारंभ मंत्री तुलसी सिलावट द्वारा किया गया। अरे यार कोई बात नहीं, रहा कर लेंगे। पैतालीस या उससे ज्यादा उम्र के लोग आकर गाड़ी में बैठे बैठे कोरोना वैक्सीन लगवा सके। यह नज़ारा इंदौर के नेहरू स्टेडियम का है, जहां आज ड्राइव वैक्सीन सेंटर का शुभारंभ किया गया। साथ ही MR9 VIP रोड और दशहरा मैदान में बन रहे वैक्सीन सेंटर का ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का भी आज शुभारंभ हो रहा है। यहां पर 2 और 4 पहिया वाहनों के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। सेंटरों पर टेंट, पीने का पानी और लाइट आदि के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर वाहनों की आवाजाही और व्यवस्थित पार्किंग के लिए जरूरी तैयारियां भी की गई हैं। शुभारंभ के मौके पर कई लोग वैक्सीन भी लगवाने पहुंचे। और इंदौर में नगर निगम के सहयोग से हर विधानसभा में इस प्रकार के सेंटर रहेंगे, और मुझे लगता है कि सेंटर होने से जो लोगों को सुविधा मिलेगी, आपने देखा होगा पूरा खुला वातावरण है, पूरी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, सबको टोकन मिलेगा, समय पे वैक्सीनेशन होगा, उसकी पूरी जांच होगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वैक्सीनेशन को लेके उसके अलावा भी कोविड की भी जांच होगी, और जो कोविड की RT-PCR की जो दरें सरकार ने तय की थी वो 700 रुपये टेस्टिंग की थी, लेकिन यहाँ और रेट कम होके सरकार के से भी कम 600 रुपये में होगी। और कोविड प्रोफाइल जो है वो सरकार ने 1800 रुपये टेस्ट का दर तय की थी और यहाँ पर 1300 रुपये में होगी, तो जो सरकार ने रेट तय किया उससे भी कम होगी। CBCO और CRP जो टेस्ट होती है, जो ब्लड में देती है, उसकी टेस्ट का सरकार ने 500 रुपये तय किया था निर्धारित, पर यहाँ पर 300 रुपये में होगी। तो ये जो सुविधा है जनता को मिल रही है, यहीं पर नहीं, जो अलग अलग विधानसभाओं में आज हम जा रहे हैं और वहाँ पर कर रहे हैं, ये जनता की सुविधा के लिए रहेगा। और मुझे लगता है इसके माध्यम से ज़्यादा लोग वैक्सीन भी कराएं और अपनी कोविड की जाँच भी कराएं। संकट में, इस महामारी में जो कोविड और कोरोना है, ये हमारे इंदौर की नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, राष्ट्र के नहीं, पूरे विश्व की महामारी है। और इसकी जो एक कवच है ब्रह्मास्त्र, वो वैक्सीन है। आज मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री का भी अनुरोध है कि हर व्यक्ति, समाज का हर तबका, हर भाई और बहन वैक्सीन लगाए, अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपने इंदौर की रक्षा करें। मैं नगर निगम के सारे अमले को, प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने इस कोविड की लड़ाई में जो ब्रह्मास्त्र है उस पवित्र काम कर रहे हैं। इसी के साथ पूरे इंदौर में 6 जगह व्यापक रूप से 4-व्हीलर हो, 2-व्हीलर हो, एक सुविधाजनक सुविधा दी है। इसी के साथ जो टेस्टिंग है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस इंदौर में लगभग 10,000 टेस्टिंग लोग रोज हो रही है।